कोयला जो हम लोग निकालते हैं ना, दो तरह से निकालते, ये कोयला का क्षेत्र मिल गया ना यहाँ, ऐसे खोदते जाएगा, इतने बचा हुआ है बस, वही कभी कभी ना इतना एरिया का फंस गया, मजदूर दब के मर जाते हैं। जब ये सब खोद देगा ना, कोयला का एक नॉर्मल यूज हम लोग कर लेते हैं, कोयला जो हम लोग निकालते हैं ना, दो तरह से निकालते हैं, एक माइनिंग के थ्रू कोयला निकालते हैं और एक ओपन फील्ड से निकालते हैं ब्लास्ट के द्वारा। तो पहले निकाला जाता है माइनिंग से, और उसके जब वो फंस जाता है ना तो किससे निकालते हैं, ब्लास्ट कर। अगर कोयला का पहाड़ ऊपर है तो जैसे कोयला का पहाड़ है उसके ऊपर ना धूल मट्टी जम जाता है, फिर पेड़ ओड़ जम जाता है, बाद में पता चलता है कि नीचवा क्या है, कोयला है, तो हटा के कोयला निकाला जाता है, तो उसमें जगह जगह डायनामाइट लगा के एक बार ब्लास्ट किया जाता है, तो कोयला फूट जाता है, फिर उठा उठा के जेसीबी से ट्रक व्रक में लाद के भेज देता है। तो ओपन फील्ड कोयला निकालने में झमेला नहीं है, माइनिंग से जो कोयला निकलता है बहुत टफ है, उसमें बहुत लोग की जान चल जाती है, इतना छोटा लिफ्ट होता है, दो से तीन मजदूर लेके जाता है नीचे, और बहुत नीचे लेके चल जाता है, 300 फीट 400 फीट नीचे लेके चल जाएगा, मतलब 30 तल्ला 40 तल्ला नीचे ले जाता है जमीन का, एकदम पतला सा लिफ्ट रहेगा इसे, यहाँ पे कोई सेफ्टी उफ्टी का इतना मजदूर के लिए कौन सेफ्टी देखता है जी। लिफ्ट कैसा रहता है, जो मजदूर जो घर ढलैया होता है तो सीमेंटवा नहीं ऊपर पहुंचाता है, मसाला वसाला ऊपर ले जाकर फिर वापस लेके चल जाता है, अरे वैसे लिफ्ट रहता है जी वहाँ पे, नीचवा पैरवा खड़ा रहिएगा ना दिखेगा नीचवा, वो जाली मार ले रहता है बस ऐसे यहाँ पे। अब ये लिफ्ट से नीचे ले जाएगा, उसमें एक पाइप डाला गया रहता है जो नीचे जाके ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, नहीं तो अंदरवा ऑक्सीजन नहीं है, लोग सांसें बिना मर जाएंगे यहाँ पर। अब जब लिफ्ट यहाँ उतार देगा ना, अब लिफ्ट यहाँ क्या कर दिया, उतार दिया, ये लिफ्ट यहाँ से उतार दिया, अब इसमें चारों डायरेक्शन में क्या किया है सब, खोदाई किया है सब अलग अलग डायरेक्शन में, अब खोदेगा ना तो थोड़ा थोड़ा एरिया छोड़ देगा, जैसे ये एरिया उसको मिल गया कि सपोज कि इसमें खोदाई करना है, यहाँ लिफ्ट उतारा और यहाँ खोदाई करना है, तो क्या करेगा ना, पहले बीच से एक खोदने वाला मशीन होता है, वो गोल गोल चलते रहता है, ऐसे खोदते रहेगा और पीछे कोयला फेंकते रहेगा, तो कोयला ला देगा और फिर लिफ्ट से क्या करेगा, ऊपर फेंकेगा, एक लाइन से को गली की तरह खोद देगा, अब फिर थोड़ा सा गैप छोड़ देगा, अब फिर खोद देगा, पूरे खोद देगा तो भाड़ा नहीं जाएगा जी, तो गली गली की तरह खोदते जाता है। जैसे ये कोयला का क्षेत्र मिल गया ना यहाँ पे, इसको खोदना है, जैसे लिफ्ट के बगल में ये पूरा कोयला का क्षेत्र है, इसको खोदना है तो लिफ्ट से उतरेगा, इतना खोद दिया, ये एरिया खाली छोड़ दिया, समझा गया, ताकि ये पिलर का काम करेगा, ऐसे खोदते जाएगा, थोड़ा थोड़ा एरिया छोड़ेगा, अब बाकी सब क्या करेगा, खोद के निकाल लेगा ताकि गिरे नहीं। और इसी के बाद जब ये सब खोद देगा ना, अब ये तो छोड़ा हुआ था, अब इसको भी खोदना चालू करेगा, इतना खोद देगा, ये जो पिलर है ये पिलर वो तोड़ दिया, इतने बचा हुआ है बस, तो जगह जगह ना अंदर जाने के बाद खंभा दिखने लगता है खदान में, अब वही कभी कभी ना इतना एरिया का मान के चलिए भंस गया, इतना एरिया का भंस गया, मजदूर दब के मर जाते हैं, बहुत टफ काम होता है कोयला निकालना का। ओपन फील्ड वाले में तो दिक्कत नहीं है, डायनामाइट लगाएं, विस्फोटक लगाएं, उड़ गया बटर के लेके चले आए, लेकिन जो कोयला खदान में जाना होता है, अंदर अंधेरा रहता है, यहाँ लाइट लगा रहता है, यहाँ पे अंदर पूरा गर्मी लगा रहता है, पसीना पसीना हुआ रहता है सवाल, अब भंस गया तो फिर काम खत्म, बच नहीं पाता है, क्योंकि कोयला के खदान में मीथेन गैस होता है, कोयला खदान में कौन सी गैस, मीथेन। अच्छा, नीचे मजदूर गए हैं, उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मीथेन गैस जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो आग पकड़ लेता है, क्योंकि जब कोयला खोदने वाली मशीन चलेगी तो हीट उत्पन्न करते हैं, और वही कभी कभी आग पकड़ के क्या कर देती है, विस्फोट कर देती है, विस्फोट कर देती है टनल में वहाँ पे। तो उस टनल में एक स्केप टनल होता है जहाँ भाग के छुप जाते हैं लोग यहाँ पर, लेकिन फिर भी बहुत मर जाते हैं।